हम लास्ट क्लास में इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जीआई किस किस तरह से बन सकते हैं, यस और नो। अब आज जो हमारा मेन डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कैलकुलेशंस नंबर ऑफ जीआई, इज दैट क्लियर? यानी जीआई कितने बनेंगे वो हमारी कैलकुलेशंस रहेगी। तो हेडिंग रहेगा कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ जीआई, कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ जीआई। कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा जिसके अंदर जीआई सेंटर होंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेंटर होंगे, और उन ज्योमेट्रिकल आइसो सेंटर्स के आधार पे आपको ये पता लगाना होगा कितने जीआई होंगे। तो कैसे करेंगे हमारे पास, यहाँ पहले तो ये आइडिया लगाना जरूरी हो रहा है कि जीआई सेंटर हम कैसे निकालेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कोई कंपाउंड है हमारे पास, ध्यान दीजिए, ये कोई कंपाउंड दे रखा है कुछ भी इस तरह का दिया जा रहा है, सही है, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसके कितने जीआई है। बहुत आसान है, आप जीआई सेंटर निकालो। क्या ये एक जीआई सेंटर है? मुझे बस हेल्प करो, क्या ये एक जीआई सेंटर है, हाँ या ना? यहां पर दो जीआई होंगे, सिस एंड ट्रांस, यस, इज दैट क्लियर? यहां पर जीआई सेंटर होगा या नहीं होगा? ये एक और हो गया, दो, तीन, चार, जहां जहां आपके पास जीआई सेंटर हो सकते हैं, ये वन टू थ्री फोर और एक और होगा फाइव। जीआई सेंटर निकालना बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप जितने भी डबल बॉन्ड है उनके आधार पे देख सकते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड में जितने भी ये हैं, जैसे ये दो ग्रुप है, हो सकता है दोनों ऊपर हो, या हो सकता है एक ऊपर एक नीचे हो। तो एक सेंटर ये हो गया जीआई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन यहाँ हो गए, तीन चार पांच। तो टोटल जीआई सेंटर कितने हो रहे हैं यहाँ पर, आप बता सकते हैं? टोटल जीआई सेंटर कितने होते हैं? थ्री प्लस टू फाइव। तो आपका पहला काम ये होता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ जीआई, यस और नो? आ रही है बात समझ में? तो स्टेप फर्स्ट आपके पास यही रहेगी जो आपको दिमाग में बिठा के चलनी है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ जीआई सेंटर। चलिए एक एग्जांपल मैंने किया, एक दो एग्जांपल और आप करिए। इसमें जीआई सेंटर कितने होंगे आप बताइए? वन टू थ्री, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, इसमें जीआई सेंटर कितने होंगे? यहां तो बहुत सारे बन सकते हैं, सही है। जैसे अगर मैं यहां जीआई सेंटर बनाने की कोशिश करूं, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच तो इसके बन गए, यानी इससे रिलेटेड कितने बनेंगे? पांच। समझ में आ रहा है? तो इससे रिलेटेड कितने बनेंगे? चार। ऑलरेडी ये वाला तो पहले ही काउंट हो चुका है, तो इससे रिलेटेड आपने फाइव लिखे, तो इससे रिलेटेड कितने लिखोगे? फोर। फोर में कौन कौन सा होगा इससे रिलेटेड? एक तो ये, एक ये, दो, तीन, चार, ये वाला कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी लिख चुके हो आप। तो आप बताइए इससे रिलेटेड कितने होंगे? इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड वन, इससे रिलेटेड तो सेंटर सारे आप पहले ही लिख चुके हो, इज दैट क्लियर? तो टोटल जीआई सेंटर कितने होंगे यहां पर? टोटल जीआई सेंटर कितने होंगे यहां पर? आपको आइडिया है ही, टोटल फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन इज इक्वल टू नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और एक पंद्रह, यानी फिफ्टीन आपके पास जीआई सेंटर होंगे। तो अगर आपने पहला काम अच्छे आसानी से कर दिया, जीआई सेंटर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ये देखना है कि कितनी जगह डबल बॉन्ड है पक्का और कितनी जगह साइक्लिक के अंदर ये है। ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जीआई सेंटर निकालना, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके पास।
चलिए एक एग्जाम्पल और करते, अब जीआई सेंटर बताएं इसमें कितने होंगे। पहले तो डबल बॉन्ड को ले लो, 1 2 हो गए। अब इससे रिलेटेड कितने होंगे, 1 2 3, तो इससे रिलेटेड 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा और वो 0 होगा। तो आपके पास 3 2 5 और 1 6 7 8, टोटल जीआई सेंटर कितने होंगे। तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ होंगे। बहुत आसान है, अगर आप कहोगे इसके बनाने हैं जीआई सेंटर तो मैं बना भी सकता हूँ। ये तो इंडिविजुअली बनी रहे 1 2, सही है। ये दोनों और ये दोनों इसके लिए हो गए, तो इसके लिए कितने हो गए कंपेयर, 3। ए ये और ये, आ रही है बात समझ में। तो अगर आप इनके गोले बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाएगा। देखिए 1 2 और ये 3, समझ में आ रहा है। और फिर इसके लिए 2 कौन से होंगे, 1 2, ये वाला सेंटर तो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो अगर आपने किसी भी कंपाउंड में जीआई सेंटर काउंट कर लिए तो अगला काम बहुत आसान है। पहले तो ये वाला काम मुश्किल होता है, जीआई सेंटर ही अगर सही काउंट नहीं करे तो आप आगे कैसे करोगे। इज दैट क्लियर। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको, वो सही करना है कि जीआई सेंटर इसमें कितने होंगे। बताइए इसमें जीआई सेंटर कितने होंगे, देखते हैं कौन सा। 1 2 3, श्योर। टर्मिनल एल्कीन को हम जीआई सेंटर नहीं मानते क्योंकि उसके दोनों वैलेंसी क्या होती है, सेम। तो सेम होगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किस तरफ भी हो, ऐसा हमने पढ़ा है। तो टर्मिनल को हम कभी काउंट नहीं करेंगे। तो यहां टोटल जीआई सेंटर कितने होंगे, टोटल जीआई सेंटर 3। टोटल जीआई सेंटर कितने होंगे यहां पर, 3। तो ये तो बहुत आसान हो रहा है आपके लिए। अब बताइए टोटल जीआई सेंटर कितने हो रहे हैं। एल्काइन को भी काउंट नहीं करते, टर्मिनल एल्कीन को भी जीआई सेंटर में काउंट नहीं करते। टोटल जीआई सेंटर कितने हैं, 3। देखो ये तो होगा नहीं, टर्मिनल है, एल्काइन होगा नहीं, 1 2 3, बिल्कुल सही बताया आपने। टोटल जीआई सेंटर सेंटर्स आर 3, सही है। तो बहुत आसानी से आपने जीआई सेंटर आपने बताना सीख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब आगे स्टेप 2। तो ये तो आपके जीआई सेंटर है, इनको लिखिए आप कि फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हमने टोटल जीआई सेंटर काउंट करे। तो सेकंड स्टेप हमारी क्या रहेगी, स्टेप सेकंड टू डिटरमाइन दैट मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और नॉट, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और नॉट, और नॉट। फॉर एग्जाम्पल ये जो मॉलिक्यूल है कैसे पता लगाएंगे सिमेट्रिकल है या नहीं है, उसके लिए हम एक और स्टेप देखेंगे, कॉर्नर आर सेम, कॉर्नर आर सेम मतलब उसके जो कॉर्नर्स हैं वो सेम हैं या नहीं है। अगर सेम है और सिमेट्रिकल है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके लिए एक तो कॉर्नर देखना पड़ता है, बी कॉर्नर अगर सेम है तो भी कोई अच्छी बात है, सिमेट्रिकल है, समझ में आ रहा है, कॉर्नर सेम होने चाहिए। दूसरा द पोजिशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड या जो भी आपके फंक्शन ग्रुप है, पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब इन और आइन, पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और लोकेंट
यानी जो भी सब्स्टिट्यूटेंट है वो सेम पोजीशन पे है या नहीं है, यानी कि दोनों तरफ से द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और लोकेंड आर सेम फ्रॉम बोथ कॉर्नर, बोथ द कॉर्नर, यानी दोनों तरफ से आप कॉर्नर से नंबरिंग करें उनकी पोजीशन सेम आ रही है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल है। इधर से गए सपोज 2 4 6 पे आ रहा है तो इधर से भी 2 4 6 आना चाहिए, ऐसा नहीं है 1 3 5 पे आ जाए, समझ में आ रहा है। थर्ड सी पॉइंट, अगर बीच में कोई साइकिल है, साइकिल का मतलब इस तरह का कोई साइक्लिक पोजीशन है, तो इफ साइक्लिक पार्ट प्रेजेंट इन सेंटर या इन बिटवीन मॉलिक्यूल, इन बिटवीन मॉलिक्यूल, देन पोजिशंस ऑफ चेन पार्ट रेस्पेक्ट साइकिल, साइक्लिक पार्ट शुड बी सिमिलर, शुड बी सिमिलर, सिमिलर होना चाहिए साइक्लिक पार्ट से रिलेटेड भी। तो इन सबको एक एक करके हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ए केस को वापिस से स्टडी करते हैं, कॉर्नर्स आर सेम और नॉट, सेम है कॉर्नर, यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी क्या है मिथाइल है, तो ये क्या है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर इस तरह से कोई कंपाउंड होता, देखिए यहां मिथाइल है और इस तरफ क्या है आपके पास इथाइल ग्रुप है, तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, कॉर्नर आर नॉट सेम, अनसिमेट्रिकल, ये हमारे को पता चल रहा है। बी, अगर कोई बहुत बड़ा हमने इस तरह का ले लिया, सेम मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इस जगह ध्यान दीजिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, पूरा एक जैसा लग रहा है, कॉर्नर भी सेम है, हाँ या ना, सबको सेम लग रहे हैं, कॉर्नर सेम लग रहा है, सबको सेम लग रहा है, यस और नो। लेकिन अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव पे आ रहा है कौन इसकी पोजीशन, और यहां से नंबरिंग कर रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे आ रहा है कौन मिथाइल की पोजीशन, तो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। वन टू थ्री, मैं यहां से कुछ इस तरह से कर देता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां पर भी सिक्स पे आ रहा है, तो कुछ इसके लिए पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, हाँ, कि दोनों तरफ से सेम आ जाए, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लो अब ऐसे कर देते हैं अपन, तो देखिए यहां पर वन बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहां पर सिक्स, ध्यान से देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन पे आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे भी आ रहा है और सेवन पे भी आ रहा है,
तो बताइए दोनों तरफ से पोजीशन तो सेम आ ही रही है, साथ में पोजीशन देखिए नंबरिंग 1 2, यानी कि 2, फिर दोनों तरफ से नंबरिंग ही कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं अपन, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप मेरे को बताइए इधर से एल्कीन की पोजीशन क्या है, एल्कीन की पोजीशंस क्या हो रही है इस वाले कलर के अंदर, आपको अच्छे से दिख रहा है, 2 पर दिख रहा है एल्कीन, फिर 4 पे दिख रहा है, 2 4 6 8 10, और अगर वाइट कलर से देखते हैं एल्कीन तो क्या हो रहा है, 2 4 6 8 10, वही दिख रहा है। एल्कीन की पोजीशन दोनों तरफ से सेम है, एल्काइल की पोजीशन सेम है, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो सो मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल कहलाएगा कि पोजीशन दोनों तरफ से आपके लिए क्या आ रही है, सेम, कोई दिक्कत है इसमें? तो पोजीशन अगर आपके पास सेम आ रही है तो आपका अलग पॉइंट है, पहले आपको सेकेंड स्टेप में यही पता लगाना है कि पोजीशन सेम आ रही है यानी सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल या नहीं है। थर्ड यानी सी, अगर साइक्लिक पार्ट है, देखिएगा ध्यान से, ये साइक्लिक पार्ट आ गया, तो साइक्लिक पार्ट में सिमेट्री दिख रही है, 1 2 3 1 1 2 1 2, और बीच में बिल्कुल साइकिल बराबर में कट रही है, यस और नो? तो अगर यहां पर आपके पास ये आ रहा है तो ये सिमेट्रिकल में होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि रिंग को बराबर काट रहा है, सिमेट्रिकल ही कट रही है हर चीज, आ रही है बात समझ में? तो ये सिमेट्रिकल पार्ट कहलाएगा आपका। लेकिन अगर यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए या यहां मिथाइल लगा दिया जाए और ये है, तब बताइए क्या ये साइक्लिक को सिमेट्रिकल काट रहा है या नहीं काट रहा? नहीं काट रहा, समझ में आ रहा है? तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, या तो इस तरफ की रिंग छोटी या बड़ी हो जाए या बीच में नहीं कटे, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, अब नॉट सिमेट्रिकल। Not symmetrical molecule. हाँ बेटा, ये वाला देखो, ये अगर देखा जाए ये दोनों की पोजीशन, इस साइकिल को दो बराबर पार्ट में काट रहा है, नहीं काट रहा, क्रॉस कर रहा है, इधर भी एक है इधर भी एक है, सिमेट्रिकल, ये यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है, लेकिन यहां पर एक एल्काइल ग्रुप और आ गया ऊपर, सिमेट्रिकल नहीं है, यानी अगर बीच में साइकिल है तो वो सिमेट्रिकली उसको क्रॉस कर रहा है, समझ में आ रही है बात? तो सिमेट्रिकली कब क्रॉस होगा, बहुत अच्छा तरीका तो यही है कि उतने ही कार्बन ऊपर हो जितने नीचे हो, तो ये पॉसिबल ही कब होगा, साइक्लोहेक्सेन में होगा, साइक्लोब्यूटेन में होगा, पेंटेन में तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर दो होंगे नीचे एक होगा, नीचे एक होगा या ऊपर दो होंगे, या बराबर में तो नहीं क्रॉस कर सकते नंबर ऑफ कार्बन वाइज, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो आप खुद देख लीजिए कि साइकिल को बीच में से क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये चीज क्लियर है। तीन तरह से आपने मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी देखी, सिमेट्रिकल है या नहीं है ये पता लगा दिया, तो अब आपकी स्टेप थर्ड होगी यहां पर, और वो स्टेप किस तरह से है देखते हैं। अब आगे देखिए कैलकुलेशंस ऑफ जीआई की अब टेबल यहां बनेगी, आपने स्टेप फर्स्ट में क्या निकाला था, नंबर ऑफ जीआई सेंटर, स्टेप टू में क्या निकाला था आपने, जीआई सेंटर के बाद स्टेप टू में आपने क्या निकाला था, यहां पर सिमेट्रिसिटी, और एक और अपन ने निकाला था, क्या निकाला था, यही निकाला है,
सिमेट्रिसिटी है या नहीं है और नंबर ऑफ जीआई है या नहीं है। इज दैट क्लियर। स्टेप थर्ड अब हमारे पास आ रही है कि डायरेक्ट अब दोनों पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे जीआई को। तो देखते हैं यहां हम कैसे सोचेंगे जीआई के बारे में। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो टोटल जीआई आपके पास बहुत आसानी से निकल सकते हैं। टोटल जीआई कितने होंगे, 2 की पावर n, जहां n क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीआई सेंटर, टोटल जीआई सेंटर, टोटल जीआई सेंटर कितने हैं वो आप सीधा लिख लोगे। और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर आपके पास दो बातें आपको सोचनी पड़ेगी कि n हमारे पास क्या है यहां पर, जीआई सेंटर। अगर n की वैल्यू, यहां दो बातें हो सकती है, n की वैल्यू इवन हो सकती है और एक हो सकता है n की वैल्यू ऑड हो। n की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑड। अगर n की वैल्यू इवन है तो जीआई टोटल जीआई कितने होंगे, 2 की पावर n बाय 2 कर सकते हो, 2 इवन है तो 2 का डिवाइडेशन होगा या नहीं होगा, होगा, -1, ये जीआई सेंटर हो जाएंगे, n बाय 2 -1, यस और नो। प्लस 2 की पावर n -1, 2 की पावर n -1। और अगर ऑड है तो जीआई क्या आप 2 की पावर n बाई 2 कर पाओगे, नहीं, क्योंकि n क्या है, ऑड वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2, जैसे सपोज 5 है, 5 माइनस 1 4, 4 बाय 2 कुछ तो वैल्यू आएगी। अगर यहां पर सपोज 2 होता, 2 माइनस 1 कितना होता, 1, 1 बाय 2, तो कभी क्या वैल्यू आती, रूट 2, रूट 2 यानी 1.414। क्या किसी के जीआई 1.414 आते हैं क्या, नहीं, या तो वो 2 होते हैं या 4 होते हैं या 10 होते हैं या 5 होते हैं, कुछ भी होते हैं। तो इसलिए यहां पर n माइनस 1 है, प्लस 2 की पावर n माइनस 1, खत्म, यानी 2 की पावर n माइनस 1 तो ऐड हो गई, उसके अलावा ये फैक्टर और ऐड हो जाएगा जीआई निकालने के लिए। और इस फॉर्मूले का यूज करके आप जीआई निकाल सकते हैं। और ये बात समझ में, तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या, ये हमारे पास सामने एग्जांपल ही है, फाइंड जीआई ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फाइंड जीआई ऑफ फॉलोइंग। देखिए आप पहले काम क्या करेंगे, जीआई सेंटर निकालेंगे। तो बताइए इसमें जीआई सेंटर कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 2, एक ये, एक ये। सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, मैंने पहले ही लिख रखा है सिमेट्रिकल है, तो सोचना ही नहीं है, फिर एक साथ लिख लीजिएगा, सिमेट्रिकल है, यस और नो। सिमेट्रिकल होते ये लगेगा, एन की वैल्यू इवन है, ऑड है, इवन, तो जीआई कितने होंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, इन 2 बाई 2 माइनस 1। तो बताइए ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे क्या आ रही है आपके पास, 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1, 1 प्लस 2 3। कुछ दिक्कत आई आपको, टोटल जीआई कितने होंगे इसके, 3। अगर ये ऑड होता तो कितना हो जाता, सपोज ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो आप निकाल सकते थे, तो फिर तो ये फॉर्मूला लगता, सिमेट्रिकल नहीं होता। ये देख लीजिए अनसिमेट्रिकल आ गया, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2, तो जीआई कितने हो जाएंगे यहां पर, 2 पावर 2 यानी 4। तो सिमेट्रिसिटी की वजह से एक जीआई कम हो गया यहां पर, इसका मतलब इस तरफ। अब आप खुद करते जाएं, अनसिमेट्रिकल है दिख ही रहा है यहां पर, अनसिमेट्रिकल है, 1 2 3 4, और यहां पर आपके पास जीआई सेंटर कितने हैं, 4 है, तो आपके पास जीआई कितने हो जाएंगे यहां पर, 2 पावर 4, और 2 पावर 4 होते ही कितना हो गया ये, 16। कोई दिक्कत, इसके टोटल जीआई कितने होंगे, 16। कैसे पता चला था ये अनसिमेट्रिकल है, पोजीशन इसकी सही नहीं थी, यहां से अगर हम करते हैं नंबरिंग
तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा था। एक बार और दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, ये सिमेट्रिकल था सिस्टमेटिक था, यस और नो? तो यहां जी एन की वैल्यू कितनी है पहले तो ये बताओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सिमेट्रिकल ऑड? ये वाला। तो क्या आप लगा सकते हो जी आई इसके लिए? जी आई 2 पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होगा आपके पास, 5 माइनस 1 4 बाई 2, 2, 2 पावर 2 कितना होगा 4, प्लस 5 माइनस 1 यानी 4, 4 2 पावर 4 16, तो नेट आंसर कितना होगा 20। ज्यादा टफ नहीं है, तो यही चीज आप यहां पर भी लगा सकते हैं। यहां जीआई सेंटर कितने हैं जल्दी से बोलो, यहां जीआई सेंटर कितने हैं? 1 2, पक्का? क्या एक और दिखाई दे रहा है आपको? हाँ 3, और सिमेट्रिकल भी दिखाई दे रहा है, तो आप आराम से कर सकते हैं पूरा। सही है, फॉर्मूले आपके पास हैं, आप करिए इसको।